देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में नौकरी करके वेतन पाने वाले लोगों की संख्या में 2% तक की कमी आई है। सैलरी पाने वालों में हुई इस कमी का सबसे बुरा असर महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर पड़ा है। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे न्यूज क्लिक के इस वीडियो में। सैलरीड क्लास यानी वो लोग जो पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी करके नियमित वेतन या सैलरी पाते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS की ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इस साल जुलाई में जारी की है। ये रिपोर्ट जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 के बीच के आंकड़े बताती है, जिसके अनुसार 2020-21 में भारत में सैलरीड क्लास यानी वेतन पाने वाला वर्ग 2% तक कम हो गया है। सैलरीड क्लास कम होने का मतलब सीधे तौर पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या नियमित रोजगार का कम होना ही है। 2018-19 में जहां 23% जनता सैलरीड थी यानी वेतन पाती थी, वहीं 2020-21 में ये कम होकर 21% तक रह गई। 2020-21 का ये वही दौर था जब कोरोना वायरस के दौरान देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसी बीच सैलरी पाने वाली महिलाओं की बात करें तो 2018-19 में 21.9% महिलाएं नौकरी करके वेतन पाती थी, मगर 2020-21 में इसमें 4.5% की गिरावट हुई है, यानी ये 17.4% तक ही रह गई। वहीं मर्दों में ये कमी सिर्फ 1.7% की हुई है। इसी रिपोर्ट में धर्म के हिसाब से जो वेतनभोगी वर्ग है उसमें आई कमी को बताया गया है। इसका सबसे बुरा असर मुसलमानों पर पड़ा है। 2018-19 में जहां 22.1% मुसलमान सैलरी पाते थे, वहीं 2020-21 में ये सिर्फ 17.5% रह गए। इसको ऐसे समझिए कि अगर मुस्लिम समुदाय के 1000 लोग काम करके वेतन पा रहे थे तो उसमें से 50 लोग कम हो गए। ऐसे ही सिखों में भी काम करके सैलरी पाने वाले लोगों में 4.5% की बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं ईसाइयों की बात करें तो उनमें भी 3.2% की गिरावट हुई है। ये तो हुई अल्पसंख्यकों की बात, मगर बहुसंख्यक वर्ग यानी हिंदुओं को देखें तो उनकी सैलरीड क्लास में अल्पसंख्यकों के मुकाबले गिरावट कम हुई है, यानी 2.3% हिंदू वेतनभोगी वर्ग से बाहर हुए हैं। वहीं अल्पसंख्यकों में भी महिलाओं पर ही इसका असर जो है वो ज्यादा पड़ा है। इसको ऐसे समझिए कि सिख मर्दों में से 2.7% मर्द वेतनभोगी वर्ग से बाहर हुए हैं, मगर 12% सिख महिलाएं इस वर्ग से बाहर हुई हैं। वहीं मुसलमान मर्दों में 4% की गिरावट हुई है तो मुसलमान महिलाओं में ये गिरावट 8% की है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग काम करते थे और नियमित वेतन पाते थे वो लोग गए कहाँ? PLFS की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि सैलरीड क्लास से निकलकर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं। जहां 2018-19 में 52.1% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वहीं 2020-21 में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 55.6% हो गई। अब जरूरी नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो हेल्पर्स के तौर पर काम करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि हेल्पर्स वो लोग हैं जो किसी घरेलू एंटरप्राइज में काम करते हैं, मगर इसके लिए उन्हें वेतन मिला हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। आप एक्चुअली प्रोपोर्शन देखिए लेबर फोर्स का, जिसमें जिसको हम असंगठित मान सकते हैं, मतलब जिसके जो लेबर लॉ के दायरे में नहीं आता, जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है या जिसको छुट्टी नहीं मिलती, बिना वेतन कटे छुट्टी नहीं मिलती, पेड लीव जिसको हम कहते हैं, उसका तो बहुत ही सीमित दायरा है। PLFS 17-18 में भी जब उन्होंने कहा कि रेगुलर सैलरी जॉब एम्प्लॉयमेंट से इम्पैक्टेड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट से पे का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तब भी जिन लोग जो लोग सैलरी काम में थे उसमें से 70% के करीब लोगों के पास कोई लिखित में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मतलब अगर आप मेरे घर में आते हैं, मैं आपको कहती हूँ चलो तुम एक साल के लिए काम करो, तुम्हें हम सैलरी देंगे, आपके पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। एक दूसरा, 60% के करीब, मतलब 50% के करीब ऐसे लोग थे जिनके पास एक भी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम के अंतर्गत वो नहीं आते थे। तो एक
किस तरीके का सैलरी जॉब है। इसका मतलब जो है कि आपके जो रेगुलर सैलरी जॉब इन कोटेशंस है उसके अंदर भी इनफॉर्मलाइजेशन या असंगठित श्रम रिश्ते जो है वो बढ़ रहे थे बुरी तरीके से। अब आए हम PLFS 20 और 21 पे। PLFS 20 और 21 को हमको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि 2012 से ही जो भयानक एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस शुरू हुआ, जो हमको PLFS 17-18 में दिखाई दिया, वो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। वो सरकार का एक बहुत ही भयानक सा प्रोपेगेंडा है, कैंपेन कर रही है वो, कि हमने रेगुलर मतलब जिस तरीके से आप रोजगार को समझते हैं वैसे रोजगार नहीं दिए। हम जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने ही रोजगार खड़े करें। हम नौकरी लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। यही है ना मोदी जी की स्लोगन, लेना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। सवाल ये अब तो देने के देने पड़ गए हैं, ना नौकरी मिल रही है और ना कोई देने की स्थिति में है, क्योंकि लोगों का आर्थिक हालत जो है वो बहुत ही खराब हो गया है। ये जो महिलाओं का दर घट रहा है, और मैं बताऊं खाली ये रेगुलर सैलरी में नहीं घट रहा है, ये अक्रॉस द बोर्ड मतलब हर क्षेत्र में घट रहा है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आप डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट है कि कोई भी आदमी संकट में जो भी उसको चिल्लर काम मिलता है वो लेने को तैयार है, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो महिलाओं पे घर पे दबाव है कि वो घर का काम करें इतने संकट में, बाकी सारे भार भी उठाएं, वो भी बढ़ चुका है। स्पेशली महामारी के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब महामारी के बाद हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के सो कॉल्ड रेगुलर जॉब थे कि उनको मासिक सैलरी मिल रही थी चाहे वो जैसी भी हो, वो भी बंद हो गई। और जो रिकवरी है एम्प्लॉयमेंट का वो बहुत ही स्लो है, कम है। CMI का डेटा भी ये बताता है। जो लोग जिनके पास वो सामाजिक नेटवर्क नहीं है, जिन लोगों को वैसे ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ इकोनॉमिक बॉयकॉट और टारगेटिंग भी होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो मुसलमानों में बेरोजगारी बढ़ रही है और जो सैलरी जॉब वो लूज कर रहे हैं, वो जो है वो एक मेहर इत्तेफाक नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि जिस देश में आप अपने युवा, वो भी शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, जिस देश में आपका जो दिहाड़ी का काम है वो भी बहुत कम हो गया है, उस देश में लोग भेदभाव ज्यादा करते हैं। उस परिस्थिति में लोग भेदभाव ज्यादा करते हैं। और जो आजकल का राजनीतिक माहौल है महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, कि इनका बहिष्कार करना चाहिए। महिलाओं का काम है घर पे बैठ के अच्छी माँ बनना, मतलब कि जो जो जीत महिला आंदोलन ने हासिल की थी उस सब पे आप हमला कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। CMIE की अप्रैल 2022 में आई रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जो 90 करोड़ की वर्कफोर्स है उसमें से ज्यादातर लोगों ने नौकरी खोजना भी बंद कर दिया है।
वहीं इस रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि 2017 से 2022 के बीच लेबर पार्टिसिपेशन 46 से गिरकर 40% पर आ गया, जिसमें से करीब 2 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclick.in।